प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी करीब 30 से ज्यादा प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 430 बेड का सुपर स्पेशलिटी सरकारी अस्पताल की सौगात भी देंगे। पीएम मोदी IRCTC की महाकाल एक्सप्रेस को वीडियो लिंक के माध्यम से हरी झंडी दिखाएंगे। रात भर चलने वाली ये ट्रेन 3 तीर्थ केंद्रों वाराणसी, उज्जैन और ओमकारेश्वर को जोड़ेगी। इसके साथ ही पीएम मोदी पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल सेंटर पे में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 63 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव हारने के बाद केंद्र सरकार ने केंद्र द्वारा चलाई जा रही सभी जनहित की योजनाओं का प्रचार प्रसार जनता के बीच करने का फैसला लिया है। इसके लिए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय में आज से अभियान की शुरुआत कर दी गई है। 15 फरवरी से 31 मार्च तक चलने वाले इस अभियान में विभिन्न संचार माध्यमों के जरिए जनता तक पहुंच जो है बनाई जाएगी। इस बाबत केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सभी कैबिनेट मंत्रियों को पत्र लिखा है और कहा है कि अपने अपने विभागों की जनहित की योजनाओं की जानकारी तुरंत ही सूचना प्रसारण मंत्रालय को उपलब्ध करवाएं। जावड़ेकर ने पत्र में कहा है कि विभिन्न मंत्रालयों द्वारा जनहित में चलाए जा रहे कामों की एक फहरिस्त बनाकर उनके मंत्रालय को भेजी जाए ताकि उस कार्यक्रम का विस्तृत प्रचार प्रसार किया जा सके। इस विशेष अभियान को आज से हर काम देश के नाम से शुरू किया गया है। इस अभियान को समाचार पत्रों, टीवी, डिजिटल और आउटडोर माध्यम के जरिए जनता के सामने लाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह को समन भेजा है। बताया जा रहा है कि गिरिराज सिंह को विवादित बयानों की वजह से पार्टी की तरफ से यह समन जारी किया गया है। गिरिराज सिंह अक्सर अपने विवादास्पद बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं। मंगलवार को उत्तर प्रदेश के देवबंद में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दारुल उलूम को आतंकी गंगोत्री कहा था। इसके साथ ही मुस्लिम राष्ट्र बनाने की साजिश का इशारा भी किया। कांग्रेस के नेता उदित राज ने पुलवामा में हुए आतंकी हमले पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने अलर्ट मिलने के बाद भी कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया। इसके साथ ही कहा कि सोशल मीडिया पर राष्ट्रवाद का प्रचार करने वाले लोग अक्सर उच्च जाति के होते हैं। हाशिए पर खड़े समुदाय को सत्ताधारी सवर्णों की देशभक्ति की कीमत चुकानी पड़ती है। यही नहीं, उदित राज ने राहुल गांधी के बयान को सही ठहराते हुए कहा कि 2024 से पहले एक और पुलवामा अटैक हो सकता है। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में मां शारदालय मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मंदिर का लोकार्पण किया। इस दौरान कन्वेंशन सेंटर में लोगों को संबोधित करते हुए सीएम ने विद्या और मेधा की अधिशास्त्री मां सरस्वती और आरोग्य के देवता धन्वंतरी की प्रतिमा के स्थापना कार्यक्रम में KGMU के परिवार को बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष यहां बसंत पंचमी पर मां शारदा की पूजा की जाती है और फिर प्रतिमा को गोमती में विसर्जित करना पड़ता था। इससे बचने के लिए एक स्थायी देव विग्रह की आवश्यकता थी, इसलिए यहां मां शारदा का मंदिर बनाया गया। कन्वेंशन सेंटर में लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोग घर से कचरा लाकर नदी में फेंक देते हैं, लेकिन सरकार के प्रयासों से गंगा का पानी अब सिर्फ आचमन ही नहीं बल्कि नहाने योग्य हो गया है। इसी तरह गोमती नदी की सफाई की जिम्मेदारी भी सभी को निभानी होगी। सीएम ने कहा, बहुत से क्षेत्रों में जहां एक ओर जल का भीषण संकट है तो दूसरी ओर जल जनित बीमारियों की चपेट में एक बड़ा क्षेत्र जो है वो आ रहा है। KGMU ने मंदिर की स्थापना कर जल में मूर्ति के विसर्जन पर केमिकल से होने वाली समस्याओं से बचने का एक अभिनव प्रयास किया है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री उमा भारती अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। ललितपुर पहुंची पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने देश में बढ़ती महंगाई और दिल्ली में बीजेपी की हार पर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि महंगाई का जो बढ़ने वाला रेशियो था उसके हिसाब से महंगाई अभी सबसे निचले स्तर पर है। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देशभर में विरोध प्रदर्शन जारी है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भी 29 जनवरी से धरना प्रदर्शन जारी है। इस प्रदर्शन में शामिल होने को लेकर शायर और कांग्रेस के नेता इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ जिला प्रशासन ने नोटिस जारी कर दिया है। इमरान प्रतापगढ़ी पर मुरादाबाद में धारा 144 का उल्लंघन करने का आरोप लगा है। मुरादाबाद जिला प्रशासन ने इमरान प्रतापगढ़ी को 1 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा है। इस नोटिस में 1,04,08,000 रुपए के जुर्माने की बात कही गई है। मुरादाबाद में CA और NRC के खिलाफ हुए प्रदर्शन में इमरान प्रतापगढ़ी शामिल हुए।
कानपुर देहात के मंगता में दलितों के साथ उत्पीड़न की घटना के बाद सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल शनिवार को कानपुर देहात पहुंचा। इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता जिला अस्पताल में भर्ती पीड़ितों से मिले और चिकित्सकीय इंतजामों को जाना। प्रतिनिधिमंडल में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, सांसद पीएल पुनिया, नेता विधानमंडल आराधना मिश्रा, मोना और राकेश सचान, अंशु अवस्थित उपस्थित रहे। पीड़ितों ने पुलिस पर धमकाने का आरोप लगाया। उत्तराखंड में हरीश रावत ने ट्वीट करके बीजेपी पर प्रदेश में अस्थिरता फैलाने का आरोप लगाया है। जवाब में बीजेपी मीडिया प्रभारी देवेंद्र भसीन ने हरीश रावत के ट्वीट पर निशाना साधते हुए कहा कि वो कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई से जनता का ध्यान भटकाने के लिए ट्वीट कर रहे हैं। उनके अनुसार बीजेपी प्रदेश में एकजुट है और सीएम त्रिवेंद्र और प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के नेतृत्व में सरकार और संगठन मजबूती के साथ काम कर रहा है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत की पोस्ट सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन चुकी है। हरीश रावत की फेसबुक पोस्ट पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा है कि हरीश रावत कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई से जनता का ध्यान भटका रहे हैं। बीजेपी एकजुट है, सरकार और संगठन मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। हरीश रावत ने फेसबुक वॉल पर एक पोस्ट डाली थी जिसमें हरीश रावत ने लिखा था कि उत्तराखंड राजनीतिक अस्थिरता की ओर जा रहा है। राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने के लिए बीजेपी आपराधिक स्तर तक दोषी है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बाद उत्तराखंड में हलचल बढ़ गई। गैरसैंण में 3 मार्च से होने वाली विधानसभा सत्र को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। तैयारियों को लेकर डीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। उन्होंने अधिकारियों को विधानसभा के दौरान व्यवस्था चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए हैं जिससे कि विधानसभा सुचारू रूप से चल सके। राम जन्मभूमि परिसर के पास से पुलिस ने संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। संदिग्ध की गिरफ्तारी राम जन्मभूमि चेकिंग पॉइंट 1 से हुई है। गिरफ्तार संदिग्ध का नाम रहमान है और वो बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस संदिग्ध से राम जन्मभूमि थाने में ले जाकर पूछताछ कर रही है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर यात्री सुविधाओं का जिम्मा 1 अप्रैल से अडानी ग्रुप के हाथ होगा। पिछले साल फरवरी में केंद्र सरकार ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के बाद अडानी ग्रुप को लीज पर लखनऊ एयरपोर्ट देने का लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया था। इसी क्रम में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने अब अडानी ग्रुप को एयरपोर्ट सौंपने की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी है। 1 अप्रैल से एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास सिर्फ विमानों के ऑपरेशन के लिए ATC और नेविगेशन की जिम्मेदारी रहेगी। देहरादून पुलिस की ऑटोमेटिक डिवाइडर योजना अगर सफल हो जाती है तो राजपुर क्षेत्र और रिसपना पुल से जोगीवाला तक जाने वाले वाहन चालकों को लंबा सफर तय नहीं करना पड़ेगा। शहरवासियों के लिए बेहतर ट्रैफिक संचालन को लेकर देहरादून पुलिस राजपुर रोड में से मसूरी डायवर्जन और रिसपना पुल से जोगीवाला के बीच बंद पड़े कट को खोलने की तैयारी कर रही है। डिवाइडर के स्थान पर पुलिस स्लाइडिंग चैनल लगाए जाएंगे। साथ ही ये डिवाइडर शोभा यात्रा और प्रदर्शन के दौरान मददगार साबित होंगे और यातायात के हिसाब से खुलेंगे और बंद किए जाएंगे। अगर यूपी बोर्ड परीक्षाओं के बीच बैंड बाजा पार्टी या सार्वजनिक आयोजन के दौरान बच्चों की पढ़ाई में व्यवधान डाला गया तो बच्चे पुलिस बुला सकते हैं। DGP हितेश चंद्र अवस्थी के निर्देश पर यूपी पुलिस बोर्ड परीक्षाओं के दौरान 15 फरवरी से लेकर 31 जुलाई तक ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ अभियान चला रही है। अगर किसी छात्र को पढ़ाई के दौरान तेज आवाज से दिक्कत हो रही है तो वो 112 पर कॉल करके या सोशल मीडिया से अन्य माध्यमों के जरिए पुलिस की सहायता ले सकते हैं। ये कॉल आते ही शिकायत दर्ज कर ली जाएगी, PRV को तत्काल मौके पर भेजा जाएगा। शोरगुल मचाने वालों को पुलिस पहले समझाएगी, इसके बाद अगर वो नहीं माने तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। हथकरघा और वस्त्र उद्योग और खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की ओर से परिषदीय स्कूलों में इस साल 70 लाख स्कूल यूनिफॉर्म की आपूर्ति की जाएगी। हथकरघा और वस्त्र उद्योग और खादी ग्रामोद्योग विभाग के अधिकारियों को हर हाल में 15 जून तक यूनिफॉर्म तैयार कराकर स्कूलों में पहुंचाने के निर्देश जारी कर दिए गए। नैनीताल के PNG राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एक अनूठी पहल की गई है। महाविद्यालय के छात्र और टीचर की ओर से स्मृति उपवन बनाया गया है जिसमें छात्र छात्राओं की असामयिक मृत्यु पर उनकी याद में इस उपवन में पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं और ये अनूठी पहल 3 साल से की जाएगी। कानपुर देहात जिले में
मैग्नेटिक चाक बोर्ड की सप्लाई में करोड़ों के घोटाले के बाद शिक्षा विभाग के स्वेटर सप्लाई में करोड़ों का घोटाला सामने आया है। 2 महीने पहले स्कूलों में छात्रों को ठंड से बचने के लिए स्वेटर बांटे गए थे, लेकिन स्वेटर 2 महीने में ही फटने लगे। स्वेटर फटने के मामले में अब घोटाला नजर आ रहा है। आखिर किस क्वालिटी का स्वेटर बांटा गया जो इतनी जल्दी फट गया? वहीं 2 महीने में स्वेटर के फटने के मामले में अधिकारियों के कमीशन की पोल खोल कर रखती है। जब पूरे मामले को लेकर बेसिक शिक्षा अधिकारी से बात की गई तो महोदय ने कहा मामले की जांच की जाएगी। वाराणसी बीएचयू के स्वतंत्रता भवन में टेक्निक्स कार्यक्रम में वुमेन रोबोट सोफिया को दिखाया गया। सोफिया की एक झलक पाने के लिए युवाओं में जबरदस्त क्रेज देखने को मिला। सोफिया ने बीएचयू में छात्रों से बातचीत भी की। बीएचयू में चल रहे टेक्निक्स कार्यक्रम में देश के कई हिस्सों से आईआईटी छात्र और प्रयोगकर्ता जो है वो पहुंचे हैं। इस कार्यक्रम में सोफिया लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रही। बीएचयू पहुंचे इस रोबोट के बारे में कहा जाता है कि इसे सऊदी अरब में नागरिकता भी मिली। कानपुर देहात के 1600 प्राथमिक विद्यालय में घोटाले का मामला सामने आया है। यूपी सरकार की कायाकल्प योजना में धांधली हुई है। यूपी सरकार के अफसर जीरो टॉलरेंस पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं। अफसरों द्वारा बिना किसी प्रस्ताव पर फर्जी फर्म के नाम पर टेंडर दे दिया गया है। शिकायत पर उपनिदेशक पंचायती राज ने पत्राचार किया जिसमें फर्म का पता जो है वो फर्जी निकला। 674 जूनियर स्कूलों में भी ब्लैक बोर्ड के नाम पर करोड़ों का खेल खेला गया। स्कूलों में ब्लैक बोर्ड के स्थान पर मैग्नेटिक ग्रीन बोर्ड की सप्लाई कर दी गई और 2 से 3 हजार की कीमत के ब्लैक बोर्ड की कीमत 10 हजार बताई गई, जिस पर मुख्य विकास अधिकारी समेत विभागीय अफसरों से स्पष्टीकरण मांगा गया है और उच्च अधिकारियों ने मामले की छानबीन शुरू कर दी। अंबेडकर नगर में बिजली विभाग में संविदा के तहत कर्मियों की आपूर्ति करने वाली कंपनी की बड़ी मनमानी सामने आई है। दरअसल कंपनी ने कई सालों से काम कर रहे बिजली कर्मियों को बिना कोई कारण बताए बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इस बात से नाराज बिजली कर्मियों ने विभाग के टांडा कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया है। देहरादून में आबकारी विभाग द्वारा सरकारी गोदाम के पास से ही सैकड़ों अवैध शराब की पेटियां और हॉलमार्क पकड़े जाने के मामले में अब शासन ने रिपोर्ट तलब की है। खबर है कि जल्द ही मामले में अधिकारियों की भूमिका और अवैध हॉलमार्क को लेकर कंपनी की संलिप्तता पर बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। लखीमपुर खीरी में पर्यावरण संरक्षण की मुहिम को बढ़ावा देने पर लखीमपुर तहसील को प्रमाण पत्र मिला है, जिससे कि ये प्रदेश में प्रमाण पत्र हासिल करने वाली पहली तहसील हो गई है। वहीं एसडीएम डॉक्टर अरुण ने बताया है कि पहले भी तहसील को प्रमाण पत्र मिल चुका है, जिसके बाद इसे पर्यावरण संरक्षण का दर्जा दिलाने का प्रयास किया गया। उत्तराखंड में रोजगार मेलों पर सेवा योजन कार्यालय का फोकस अब कम नजर आ रहा है। कौशल विकास मंत्री हरक सिंह रावत के निर्देश के बाद अब मेलों के आयोजन को लेकर अधिकारी अपनी प्राथमिकता को बदलने जा रहे हैं। राज्य में बेरोजगारों के लिए लगने वाले रोजगार मेले के आयोजन की परफॉर्मेंस को लेकर शायद कौशल विकास मंत्री हरक सिंह रावत खुश नजर नहीं आ रहे हैं। शायद यही कारण है कि विभागीय मंत्री ने रोजगार मेलों में कटौती करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल रोजगार मेले के आयोजन में ज्यादा रकम खर्च हो रही है, जबकि उसके परिणाम और मॉनिटरिंग सिस्टम बेहद ही कमजोर नजर आते हैं। ऐसे में कौशल विकास मंत्री हरक सिंह रावत ने रोजगार मेलों पर ज्यादा फोकस नहीं करने के निर्देश अधिकारी को दिए हैं। बताया जा रहा है कि रोजगार मेलों के दौरान युवाओं द्वारा इसमें कम उत्सुकता दिखाई देती है, साथ ही कंपनियों के माध्यम से किए जा रहे दावे भी पूरे होते नजर नहीं आ रहे। हालांकि हरक सिंह रावत का कहना है कि उन्होंने अधिकारियों को जरूरत होने पर ही रोजगार मेले आयोजित करने की बात कही है। चंपावत में वेतन नहीं मिलने से गुस्साए उपनल कर्मियों ने कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। उनका कहना है कि 11 महीने से उन्हें वेतन नहीं दिया गया है, जिससे उनके सामने आर्थिक समस्या खड़ी हो गई है। प्रदर्शनकारियों के समझाने के लिए मौके पर सीएमओ पहुंचे, लेकिन उपनल कर्मियों ने उनकी एक भी नहीं सुनी। वहीं सीएमओ ने कहा कि जल्द ही बजट मिलने पर उपनल कर्मियों को वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा। डॉक्टर्स और नर्स की कमी से जूझ रहे स्वास्थ्य विभाग अभी भी अस्पतालों में नई इमारतें बनवाने में पीछे नहीं है। फर्रुखाबाद के लोहिया अस्पताल में जिला योजना से 153 लाख से बर्न और प्लास्टिक सर्जरी यूनिट का निर्माण कराया गया था, लेकिन बिल्डिंग बन जाने के 4 साल बाद भी यहां इलाज होना शुरू नहीं हो पाया है। दरअसल न तो इस यूनिट के लिए उपकरण है और न ही स्टाफ। नतीजा ये रहा कि निर्मित यूनिट में ताला लटका हुआ है। प्रभारी CMS डॉक्टर SP सिंह ने बताया कि फिलहाल बर्न यूनिट शुरू होने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। स्टाफ की डिमांड करते हुए शासन को पत्र लिखा गया है।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के वजीरगंज स्थित जिला सत्र न्यायालय में बम फेंकने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। शुक्रवार रात को पुलिस ने लखनऊ बार एसोसिएशन के महामंत्री जीतू यादव को गिरफ्तार किया। गुरुवार को कोर्ट में 3 बम फेंके गए थे जिसमें 4 वकील घायल हो गए थे। वहीं पुलिस ने 2 जिंदा बम बरामद किए हैं। इस वारदात के बाद संजीव लोधी ने महामंत्री जीतू यादव की शह पर हमला किए जाने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया था। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दूसरे आरोपी की तलाश की जा रही है। प्रयागराज में प्रेमी ने प्रेमिका को गोली मारी है। प्रेमिका की हत्या के बाद प्रेमी ने खुदकुशी कर ली है। प्रेमी प्रेमिका की मौके पर ही मौत के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ये मामला झांसी थाना क्षेत्र के हवेलिया इलाके का बताया जा रहा है। बहराइच के नगर पालिका में वकीलों और कर्मचारियों में हाथापाई का मामला सामने आया है, जहां वकील कृष्ण कुमार श्रीवास्तव को नगर पालिका ऑफिस में बंधक बनाया गया। इस मामले के बाद जिले के वकीलों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। नगर कोतवाली में हजारों वकील इकट्ठा हुए और धरने पर बैठ गए हैं। वकील टैक्स कलेक्टर की गिरफ्तारी पर अड़े हुए हैं। वहीं नगर पालिका कर्मचारियों ने भी धरना दिया। उत्तर प्रदेश में सीतापुर के पंचपुरवा गांव में एक युवती ने मन्नत पूरी होने पर दुर्गा मंदिर में अपनी जीव काट कर चढ़ा दी। बताया जा रहा है कि युवती ने अपनी बीमार मां के ठीक होने की मन्नत मांगी थी। मां के ठीक होते ही युवती ने यह कदम उठाया। फिरोजाबाद के अलवालपुर में एक शराब पिए हुए व्यक्ति ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। एक युवक शराब पीकर मोबाइल टावर पर चढ़ गया और ड्रामा करने लगा। युवक के हाई वोल्टेज ड्रामा को देखने के लिए लोगों की भीड़ वहां इकट्ठा हो गई। युवक के टावर पर चढ़े होने की सूचना पाकर मौके पर भारी पुलिस फोर्स के साथ सीओ भी पहुंचे। युवक को समझाने के लिए पुलिस ने बहुत प्रयास किया तो वहीं युवक की पत्नी ने कहा कि युवक आए दिन शराब पीकर इस तरह का ड्रामा करता रहता है। शराबियों का रास्ता रोकना लोगों को भारी पड़ गया। मथुरा के थाना महावन क्षेत्र में शराबियों ने लोगों की जमकर पिटाई कर दी। घटना का ये वीडियो सीसीटीवी फुटेज में ये वीडियो मिला है। वहीं पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने की वजह उन पर राजीनामा करने का दबाव बना रही है। सोशल मीडिया पर मारपीट का ये वीडियो वायरल हो रहा है। फिरोजाबाद में स्कूल के बाहर लोग हाथों में राइफल तमंचे लेकर घूमते नजर आए। थाना नारखीकर रिजावली के पास स्थित स्कूल के बाहर कुछ लोग के बीच विवाद हो गया था। एक शख्स ने शराब पीने से मना कर दिया तो एक दबंग अपने साथियों को लेकर स्कूल के बाहर पहुंच गया और झगड़ा करने लगा। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करवाया। फिलहाल इस मामले में किसी भी पक्ष की तरफ से तहरीर नहीं दी गई। बागपत के एक निजी कॉलेज के प्रबंधक को थप्पड़ मारना इतना महंगा पड़ा कि उसकी जान चली गई। कॉलेज परिसर में दिनदहाड़े हुई हत्या को पुलिस ने 10 घंटे में ही सुलझा लिया और आरोपी छात्र अंशुल के साथ उसके 2 साथी अर्षित और सागर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल तमंचे को बरामद किया है। कॉलेज परिसर में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वारदात के सहारे पुलिस आरोपियों तक पहुंची है। पूछताछ में पता चला है कि वारदात से एक दिन पहले अनुशासनहीनता को लेकर प्रबंधक गुलबीर ने अंशुल को थप्पड़ मारा था और इसी का बदला लेने के लिए अंशुल ने कॉलेज परिसर में प्रबंधक को गोली मारी थी। गोंडा में संदिग्ध हालत में शव मिलने से सनसनी फैल गई है। एसबीआई बैंक के फील्ड ऑफिसर अंकु चौधरी का शव बाथरूम में रस्सी से लटका हुआ मिला। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने बाथरूम का दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला। अंकु चौधरी एसबीआई की शीशामऊ शाखा में फील्ड ऑफिसर के पद पर तैनात थे और किराए के मकान में अकेले रहा करते थे। गाजियाबाद के कविनगर इलाके में डॉक्टर की लाश उनके घर से बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर विवेक ने सुसाइड किया है। डॉक्टर विवेक इस घर में अकेले रहते थे। इस मामले में फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी। गाजियाबाद में एक दर्दनाक हादसा सामने आया। थाना सिहानी गेट के राजनगर एक्सटेंशन की सोसाइटी से एक बच्चे की 8वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक परिजनों ने बताया कि बच्चा स्कूल से आने के बाद ऊपर खेलने जाया करता था। खेलते वक्त ही बच्चा 8वीं मंजिल से नीचे जा गिरा जिससे कि उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। मेरठ से लापता महिला का शव खेत में मिला।
मुंडाली क्षेत्र में महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई और शव को खेत में फेंक दिया गया। वहीं पुलिस को महिला की स्कूटी मेडिकल थाना क्षेत्र से बरामद हुई है। महिला कल शाम से लापता थी। मृतका के परिजनों ने 3 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों ने पैसों के विवाद के चलते हत्या की आशंका जताई है। महिला सूद पर पैसे देने का काम किया करती थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है और हत्या की जांच करने में जुटी हुई। आगरा थाना ताजगंज इलाके में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की खुलेआम अवहेलना की जा रही है। शादी समारोह में हर्ष फायरिंग करते हुए युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। युवक ने दूसरे की पिस्टल से फायरिंग की और अपना वीडियो बनवाया, जिसे युवक ने फेसबुक पर पोस्ट किया, जो अब वायरल हो रहा है। हापुड़ में शादी समारोह में एक युवक ने अवैध असलहे से हर्ष फायरिंग कर दी। युवक के तमंचे से फायर और डांस करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। युवक तमंचे पर डिस्को करते हुए वीडियो पे देखा जा सकता है। युवक गढ़ कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। गाजियाबाद के मोदीनगर में गुरुद्वारा रोड पर प्राइवेट ट्यूशन सेंटर पर छात्रों के 2 गुटों में जमकर लात घूंसे चले हैं। ये पूरी मारपीट वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के कुचेसर चौपाल की रेलवे रोड मार्केट में एक किराना स्टोर की दुकान में घुसकर चोरों ने गुटखों की बोरी चोरी कर ली, जिसके बाद दुकान में लगे सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हुई। फिलहाल किराना स्टोर मालिक ने थाने में तहरीर दी है और मामले की जांच शुरू कर दी गई। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर थाना इलाके में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जबकि दूसरे बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक बदमाश बिस्कुट से भरा ट्रक चोरी करके भाग रहे थे। ट्रक में 35 लाख रुपए के सामान थे। इसी दौरान ये मुठभेड़ हुई। वहीं पुलिस कमिश्नर ने मुठभेड़ करने वाले टीम को 50,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की। ग्रेटर नोएडा में कलयुगी बेटे ने बाप की हत्या कर दी है। बेटे ने बाप की हत्या धारदार हथियार से गर्दन काट कर की है। निर्मम वारदात के बाद आरोपी बेटा फरार हो गया है। ये मामला जारचा थाने के कलोदा गांव का बताया जा रहा है। सुल्तानपुर में ट्रैक्टर और पिकअप वैन में भीषण टक्कर हो गई है, जिसमें 3 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि 4 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। यह हादसा तब हुआ जब सभी मजदूर पिकअप वैन में मऊ जा रहे थे। यह घटना मोतीगरपुर थाना क्षेत्र के पांडे बाबा बाजार की बताई जा रही है। अलीगढ़ में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। दरअसल स्कूली बच्चों को बचाने के चक्कर में एक कार नाले में जा गिरी, जिसमें कार सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 शवों को कार से बाहर निकाला और परिजनों को सौंपा है। मरने वाले 3 लोग रिटायर्ड बैंक कर्मी बताए जा रहे हैं। वहीं हादसे के बाद परिजनों का रोककर बुरा हाल है। कानपुर के चक्री थाना क्षेत्र के जंगलों में आग लग गई। जंगल में लगी आग लगातार फैलती जा रही है, जिससे कि इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। यहां से निकलने में लोगों को डर लग रहा है। आग लगातार विकराल रूप लेती जा रही है। डोईवाला में हाईकोर्ट के आदेश के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग हरकत में आया है। करीब आधा दर्जन मीट और मिठाई की दुकानों पर छापेमारी की गई है, जिसके बाद दुकानदारों में हड़कंप मच गया। विभाग ने सड़क के किनारे खुली मीट की दुकानों पर कार्रवाई करते हुए दुकानदारों को नोटिस जारी किया है और 1 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा। उत्तरकाशी के पुरोला में 4 दिवसीय रामवाई बसंतोत्सव एवं विकास मेले का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के स्वर सम्राट नरेंद्र सिंह नेगी की शानदार प्रस्तुति देखने को मिली। वहीं दूर दूर से स्वर सम्राट को सुनने के लिए लोग यहां पर इकट्ठा हुए। नगर पंचायत द्वारा पहली बार आयोजित रामवाई बसंतोत्सव और विकास मेले में लोक संस्कृति के अलावा खेलकूद और बच्चों के लिए मनोरंजन की व्यवस्था भी की गई।